नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल रिटकर्स गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग एक पीडीवी पैनल जिसमें 10 फीडर्स हैं उसका डिज़ाइनिंग करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर है और कस्टमर बोलता है कि मेरे को 250 एम्पीयर 400 एम्पीयर का दो फीडर चाहिए, 250 एम्पीयर का दो फीडर चाहिए और 125 का चार फीडर चाहिए और 63 का दो फीडर चाहिए, ऐसा वो फीडर का डिमांड करता है। ठीक है, और इस अनुसार से आपको पैनल डिज़ाइन करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इनकमर की कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, हमारा टोटल लोड कितना हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 400 एम्पीयर का दो है, सो 800 ये हो जाएगा। ठीक है, 2500 का दो है मतलब 500, 500 एम्पीयर ये हो जाएगा, और 125 × 4 है मतलब 500 ये भी हो जाएगा। 63 को दो है तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपका 3 × 6 हो जाएगा और 6 × 12 126 हो जाएगा। ठीक है, इसको टोटल को ऐड कर लेते हैं, ये दोनों आपका 1000 हो गया और इसको मिला दिए 1800 हो गया और ये 1900 हो गया, और 1900 कितना हो गया, ये 26 हो रहा है आपका। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये दोनों मिला के आपका 1000 हुआ। ठीक है, और ये फिर 1800 हो गया और ये 1900 हो गया और 1926 हो गया। ठीक है, आपको 1926 आपका क्या आ रहा है, कुल आपका एम्पियर लोड आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से होता क्या है कि हम यहाँ पे जो भी फीडर्स लेते हैं वो फीडर 100% उसको यूज़ करना नहीं रहता, एक्सेस लगा के दे रहे हैं। ठीक है, तो 1900 के लिए आप क्या करेंगे, आपको 1600 का ब्रेकर लगाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में आपको 1600 एम्पियर का ब्रेकर मिलता है। इसके आगे आप जाएंगे तो 2000 का ब्रेकर मिलेगा। ठीक, तो 2000 इतना लोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपका, अगर इतना लोड दिया हुआ है तो 4000 जहाँ पे 400 को लिखा रहता है लोग वहाँ पे 200 250 300 का ही यूज़ करते हैं, सो हम लोग ब्रेकर उसके आसपास हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो मैं 1600 का ब्रेकर चॉइस करूँगा और अगर 2000 का चॉइस करेंगे तो भी बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मान के चलता हूँ कि मैं 2000 का ब्रेकर 2000 के बजाय आपका 1600 का ब्रेकर यूज़ कर रहा हूँ इनकमर के रूप में। ठीक है, अब चलिए इसे पैनल का डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनकमर वाला पार्ट रहेगा, है ना, ये हमारा इनकमर होगा जिसमें ब्रेकर आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे आपको बस बार अलग से ड्रॉप कराना पड़ेगा क्योंकि 10 फीडर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बस बार सेक्शन खींच देता हूँ और यहाँ पे फीडर हमारा आ जाएगा, ये इस टाइप का पैनल बनेगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसको हम 5 भाग में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 भाग में डिवाइड हो गए। ठीक है, अगेन इसको भी 5 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए ये हमारे इनकमर पार्ट है, तो इनकमर पार्ट में आप क्या क्या रहता है, एक तो आर ओ बी इंडिकेशन रहता है, तो मैं 3 इंडिकेशन का सिंबल बना देता हूँ, ये हमारे इंडिकेटर हो गए। ठीक है, जो कि आर वाई बी रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें वोल्ट मीटर रहता है वोल्टेज देखने के लिए, ये आपका वोल्ट मीटर है। इसके बाद आपका एम्पियर मीटर रहता है करंट देखने के लिए, सो एम्पियर मीटर बना दिया, और सेलेक्टर स्विच रहता है। ठीक है, एक को वीएसएस कहते हैं, एक को एएसएस कहते हैं, सॉरी। ठीक है, इसको हम लोग एएसएस कहते हैं। तो ये जो पोर्सन हो गया मेरा मीटरिंग पोर्सन हो गया, नेक्स्ट मैं ब्रेकर यहाँ पर फिट करूँगा, तो ये वाला जो भाग रहेगा मेरा ब्रेकर का है एसीबी, जो कि रीडिंग कितना होगा 1600 एम्पीयर का। अब 4 पोल या टीपी जो भी है यूज कर सकते हैं, टीपी यूज करेंगे तो अलग से न्यूट्रल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकर वाला पोर्शन है, ये हैंडल है स्प्रिंग चार्जिंग का और यहाँ पे वो रेटिंग दिखा रहता है। ठीक है, ये हमारा ब्रेकर होगा, नीचे हमारे केबल का सेक्शन रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हमको 400 एम्पीयर का दो फीडर यहाँ पे देना है, तो आप 400 एम्पीयर दो यहाँ पे दे दीजिए एम सी सी बी। ठीक है, अगेन यहाँ पे 400 एम्पीयर का दे दीजिए टीपी, ये 4 पोल नहीं है वो आपको भी डिपेंड करता है। देन 250 का कितना वहाँ पे दो है, तो 250 आप यहाँ दे दीजिए, अगेन 250 एम्पीयर यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, फिर आपकी कितना 125 से 4 है, तो 125 आप इधर दे दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया 125 का, 125 का एक और बचा हुआ है तो इसको यहाँ पे दे दीजिए और बचे हुए 63 को आप यहाँ पे दे दीजिए। तो ये पैनल का डिजाइनिंग हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 400 को दिया है तो यहाँ पे मैंने 250 को दिया है, वो क्यों ऐसे किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1600 का ब्रेकर लगा रहा हूँ, है ना,
या इसकी जो लोड है करीब 1900 के आसपास हो रहा है, तो आधा आपको इधर आना चाहिए करीब 900 के आसपास, और 900 के आसपास इधर आना चाहिए, इसलिए इसको ऐसे डिवाइड किया गया। ठीक है, हालांकि इधर 900 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 4, 2, 6, 6, 7, 8, 9 हो रहा है। ठीक है, और इधर 4, 6, 8, 9। ठीक है, ठीक है, मतलब हमने इसको इस प्रकार से डिवाइड किया है कि ये एक साइड आपका बस बार इधर का जो लोड है वो करीब 900 के आसपास रहे, इधर का भी 900 के आसपास रहे, इस टाइप हमने डिजाइन किया। ठीक है, और ये हमारा जो चेंबर आ जाएगा ये क्या हो जाएगा? बस बार चेंबर का रहेगा, बस बार चेंबर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे आप ब्रेकर लगाएंगे, नीचे केबल के लिए खाली जगह रहेगा, और ये ब्रेकर जो है बस बार जो ऊपर ऐसा उठ जाएगा चारों बस बार, और ऊपर उठने के बाद में ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये बस बार। ठीक है, इधर चारों बस बार आ जाएगा और यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा ऐसा। ठीक है, मतलब ये हमारे कौन से बस बार सेक्शन होगा, इस बस बार से हम यहाँ पे जो हमारे फीडर दिए हैं उनको हम सप्लाई दे देंगे। ठीक है, और इसके बैक साइड क्या करेंगे, केबल लगा देंगे आपका बस। देखिए यहाँ पे MCB ऐसा फिट है, यहाँ से बस बार कनेक्ट करोगे और इसको आप ऐसे थोड़ा जोड़ के बैक साइड आप छोड़ देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, केबल कनेक्शन के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे केबल चेंबर बैक साइड है और बस बार चेंबर फ्रंट साइड है। ठीक है, तो इस प्रकार से डिज़ाइन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका साइज क्या लेंगे। ठीक है, इस पैनल की डेप्थ भी देख लेते हैं, डेप्थ इस हाइट सारी चीज़ मैं निकाल लेता हूँ। देखिए जब भी आप ब्रेकर लेते हैं तो ब्रेकर को जो डेप्थ रहता है, ब्रेकर जहाँ पे बैठता है वहाँ पे कम से कम 1000 डेप्थ दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा वो कम से कम आपको 1000 लेना पड़ेगा। ठीक है, देन फीडर वाला सेक्शन में क्या है, यहाँ पे हमें मिनिमम जो लेते हैं फीडर का वो 300 लिया जाता है, लेकिन उसमें आपका जो बस बार है और केबल है दोनों फ्रंट में रहता है तो 300 लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या, बस बार तो फ्रंट में है लेकिन केबल क्या बैक साइड है, तो बैक साइड आपको जगह होना चाहिए, इसलिए इसको 600 और 600 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्सन रहेगा आपका 600 का रहेगा, बट ब्रेकर वाला जो पोर्सन रहेगा 1000 का रहेगा। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, आपको 1600 का जो ब्रेकर है उसके लिए कम से कम आपको 800 की जगह चाहिए। ये सारे जो साइज मैं बता रहा हूँ MM है, तो मिनिमम आपको 800 जगह इसके लिए चाहिए। ठीक है, 400 एम्पीयर का यहाँ पर फीडर है। ठीक है, 400 एम्पीयर के फीडर के लिए कम से कम आपको 550 mm का जगह चाहिए। सेम 250 एम्पीयर के लिए आपको 550 एम्पीयर का जगह चाहिए। देखिए आपका जो MCSB है इतना बड़ा नहीं रहता कि 550 एम्पीयर आधे मीटर नहीं रहता है कि आपको इतना बड़ा जगह देना पड़ेगा। लेकिन क्यों जरूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे MCSB फिट होगा, यहाँ से बस बार को कनेक्ट करोगे और फिर वापस आगे बढ़ा के इसको पीछे साइड बेंड करना है, तो आपके पास जगह रहेगा तभी आप बेंड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे, है ना। तो केबल लगाए की वजह से यहाँ पे हमने 550 दिए हैं, और मान लीजिए यहाँ पे केबल लगाए नहीं रहता है ना, इसके बैक साइड केबल लगाए नहीं रहता तो हमको इतनी की जरूरत नहीं पड़ती, आपको मुश्किल से 450 में कम्प्लीट हो जाता हो। ठीक है, तो चलिए ये जो बस बार सेक्शन है उसमें आपको जगह देना पड़ेगा करीब 400, इसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, और ये 400 बस बार सेक्शन में क्यों दूंगा ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को, पहले सब पूरा टोटल साइज में निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये मेरा 800 हुआ, 800 में 5 को ऐड किया 1800 होगा, 18 दो 20 दो 22 और 5 27 और ये 28, ये 2800 हो रहे हैं। अगेन मैं जोड़ता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, 8 + 5 = 13 है ना, 13 और 4 कितना हो जाएगा, 13 और 4 17 में से कितने जोड़े हैं मेरे को, 5 और जोड़े हैं 17 + 7 = 12 22 हुआ, 22 + 1 = 23 होगा, सॉरी ये 23 होगा। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है आपका 23 हो गया। डेप्थ के बारे में बता चुका हूँ कि आपका जो ब्रेकर है उसको 1000 देना है, और ब्रेकर के बाद जो अदर पोर्शन बच रहा है उसको 600 देना है, 600 देना आपको। ठीक है, तो ये हमारा साइज हो गया, अब इसकी हाइट दिखाना है। ठीक है, हाइट दिखाने के लिए देखिए क्या करना है, ये हमारा जो बर्गर सेक्शन है उसमें कम से कम आपको 300 का जगह देना पड़ेगा, ये 400 का आपका MCSB है इसके लिए 350 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगेन इसके लिए 350 देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी 125 के लिए आप 300 दोगे तब भी चलेगा, 300 दे दीजिए, इसके लिए आप 300 दे दीजिए, और इसके लिए 300 दे दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 5 फीडर है और एक बस बार है, आपको इतना हो गया। हाइट देखते हैं क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 × 18 ये होगा, 1800 ये होगा, और ये दोनों मिला के 19 हुआ। ठीक है, 1900 हो रहा है टोटल। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि नीचे आपको एक चैनल देना पड़ता है, ऐसा हम लोग चैनल देते हैं पैनल को माउंट करने के लिए, तो ये हमारा चैनल वाला पोर्शन होगा, तो ये आपका 75 mm का चैनल आता है, तो 75 mm को चैनल को मिला दूंगा, तो टोटल ये जो मेरा हाइट है आपका 1900
75 के आसपास इसकी टोटल हाइट हो जाएगी। तो इस प्रकार से पैनल का डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा और इसी प्रकार की वीडियो आप लोग और चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं विभिन्न प्रकार के जितने भी टाइप्स के आपके पैनल्स होते हैं, पीडी पैनल है आपका, एमसीसी पैनल है, एबीएफसी पैनल है आपका, डीजी सिंक्रोनाइजिंग पैनल है, वो सारे पैनल हम लोग डिज़ाइन करते हैं, हम लोग बनाते हैं हमारे प्लांट में। तो आप लोग की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उस वीडियो बना सकूँ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग है जिसका नाम www.omtechguide.in है, जिसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ इसे जाकर एक बार जरूर विजिट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।